बोझ की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने एएसपी कोटद्वार कार्यालय के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका और मुख्य आरोपी नगर निगम अकाउंटेंट पंकज सिंह रावत को नहीं पकड़ने की पुलिस पर आरोप भी लगाए। पार्षदों ने पुलिस से निगम कर्मचारियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की। बता दें कि 2 महीने पहले नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी द्वारा कोटद्वार कोतवाली में नामजद 3 व्यक्तियों के खिलाफ नगर निगम का सरकारी धन गबन करने के संबंध में तहरीर दी और इस दौरान पार्षदों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के भीतर हो रहे घोटालों के खिलाफ लामबद्ध थे और हमने लगातार इस बात को उठाया कि उपरोक्त में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 2 महीने बाद भी अधिकारियों के साइनों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट ना आना, जो नगर निगम का अकाउंटेंट वर्तमान समय में फरारी काट रहा है उसका गिरफ्तार ना होना, जिस बैंक से लगातार 25 चेकों के माध्यम से पैसे निकले गए और नगर आयुक्त का यह कहना कि वो साइन मेरे नहीं हैं, उस बैंक के कर्मचारी के ऊपर रिपोर्ट दर्ज ना होना, हमारा साफ तौर पे कहना यह है कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई वर्तमान में पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है। लक्ष्य नगर पालिका परिषद ने अपने सभासदों, व्यापार मंडल के सदस्यों और स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सभी के साथ नगर की कूड़ा निस्तारण, प्लास्टिक पर बैन आदि को लेकर विचार विमर्श किया। साथ ही सभी से नगर में साफ सफाई के लिए सुझाव भी मांगे। वहीं नगर वासियों से नगर में साफ सफाई रखने में सहयोग